नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टीचर्स क्लासेस में। दोस्तों, ये है आज का क्योट। अगर आपको किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना है तो उसका एक ही सक्सेस मंत्र है, और वो ये है कि आप लगातार उसमें प्रयास करते रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। पिछली कुछ क्लासेस में हमने थैलस के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी, एल्गी के जनरल हैबिटाट्स के बारे में बात की थी। अब हम सेल स्ट्रक्चर के अंदर फ्लैजिला के बारे में बात करेंगे, जो मेन एक कह सकते हैं पार्ट है एल्गल सेल का, फ्लैजिला। सबसे पहली बात, फ्लैजिला क्या काम करते हैं? तो देखिए, इनका काम होता है गति। ये गति के काम में आते हैं, यानी कि मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में मदद करते हैं। यहां से एक सवाल और निकलता है, क्या सभी एल्गल सेल्स के अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं? तो नहीं, सभी एल्गल सेल्स में फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। साइनोफाइसी और रोडोफाइसी जो फैमिली हैं, जो क्लास हैं, इनके अंदर ये फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। फ्लैजिला केवल और केवल मोटाइल सेल्स के अंदर ही पाए जाएंगे। फ्लैजिला के बारे में एक और बात जो याद रखने लायक है, वो है कि ये जो फ्लैजिला होते हैं, ये फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इनका मेन काम होता है गति। मान लीजिए ये कोई एक एल्गल सेल है। इस एल्गल सेल पर एक हेयर लाइक एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है फ्लैजिला। मेनली किसी भी सेल में दो टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक है वी प्लास फ्लैजिला और दूसरा है टिंसल फ्लैजिला। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वी प्लास, याद रखिएगा, इसकी सरफेस हमेशा स्मूथ रहेगी, एक स्मूथ सरफेस के साथ ये फ्लैजिला होगा, जबकि जो टिंसल फ्लैजिला होते हैं, इनकी सरफेस हमेशा रफ होती है। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा वी प्लास फ्लैजिला है। यहाँ पर इसकी जो सरफेस है, ये पूरी तरह से एक स्मूथ सरफेस है, जबकि जो हमारा टिंसल फ्लैजिला है, यहाँ पर इसकी सरफेस पर कुछ इस टाइप के ये स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं। इनकी वजह से इसकी सरफेस एक रफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। ये जो वी प्लास फ्लैजिला है, इनको एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला भी कहा जाता है, और ये फ्लैजिला चिकनी सतह के साथ होते हैं, यानी कि स्मूथ सरफेस के साथ होते हैं। तो अब हम बात करते हैं टिंसल या प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला के बारे में। टिंसल फ्लैजिला, इसके बारे में हमने पीछे ही बात की थी। मान लीजिए ये कोई फ्लैजिला है। इस फ्लैजिला की सरफेस पर कुछ स्पेशल टाइप के अपेंडिजेस पाए जाते हैं, जो उसकी सरफेस को कवर किए हुए रहते हैं, कुछ इस टाइप से। इन अपेंडिजेस को हम कहते हैं मैस्टिको नीम्स, या इनका एक और नाम है और वो है फ्लीमर्स। इनकी वजह से ही ये जो टिंसल फ्लैजिला होता है, इसकी सरफेस रफ दिखाई देती है, और इन मैस्टिको नीम्स के बेसिस पर ही जो टिंसल टाइप का फ्लैजिला है, उसके थ्री टाइप्स डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला है हमारा पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला, दूसरा जो टाइप है वो है पेंटा क्रोनिमेटिक फ्लैजिला, और जो थर्ड टाइप है हमारा वो है स्टीकोनिमेटिक फ्लैजिला। एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला। ये जो फ्लैजिला होता है, इसमें मेस्टिकोनीम्स रेडियल अरेंजमेंट दिखाते हैं। अब रेडियल अरेंजमेंट क्या है? ये रहा हमारा पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला। इसमें मेस्टिकोनीम्स इसकी पूरी सरफेस पर पाए जाते हैं, इसके एक्सियल पार्ट से लेके बेसल पार्ट और इसके लेटरल पार्ट्स में। इसे कहा जाता है मैस्टिकोनीम्स का रेडियल अरेंजमेंट। इस टाइप का फ्लैजिला पैरानीमा और मोनास के अंदर पाया जाता है। हमारा सेकंड टाइप है पेंटाक्रोनिमेटिक फ्लैजिला। इसमें भी मैस्टिकोनीम्स ऑलमोस्ट पूरी सरफेस पर पाए जाते हैं, लेकिन एक्सियल पार्ट को छोड़कर। ये जो एक्सियल पार्ट आप लोग यहां पे देख रहे हैं, यहां पर मैस्टिकोनीम्स एब्सेंट होते हैं। इस टाइप का फ्लैजिला
यूर्सियोलस में पाया जाता है। जो थर्ड टाइप है वो है स्टिकोनिमेटिक फ्लैजिला। स्टिकोनिमेटिक टेंसल फ्लैजिला, इसमें मेस्टिगोनियम्स फ्लैजिला की केवल एक साइड पर पाए जाएंगे, जबकि जो दूसरा साइड होगा वो पूरी तरह से स्मूथ साइड होगा। ये जो इसके पीछे का साइड है ये पूरी तरह से स्मूथ साइड है, इसे स्टिकोनिमेटिक फ्लैजिला कहा जाता है। टेंसल फ्लैजिला का ही एक टाइप है। इस टाइप का फ्लैजिला यूग्लिना और एस्टेस्टा में पाया जाता है। पेंटोक्रोनिमेटिक, जैसा कि हमने बात की थी, टर्मिनल फाइब्रल के साथ एक पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला होता है। टर्मिनल फाइब्रल जो होता है वहां पर हमारे मेस्टिगोनियम्स एब्सेंट होते हैं। स्टिकोनिमेटिक फ्लैजिला, इसमें मेस्टिगोनियम्स कशाबिका के केवल एक तरफ डेवलप होते हैं और जो दूसरी साइड होती है वो स्मूथ रहती है। अब एक स्पेशल पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए किसी सेल के अंदर सेम टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं तो उसे हम आइसोनोट कहेंगे। मान लीजिए किसी सेल के अंदर दो अलग-अलग टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक वी प्लास है और दूसरा हमारा टिनसेल है, तो उसे हम हेटरोनोट कहेंगे। ये दो टाइप के हमारे फ्लैजिला पाए जाते हैं किसी भी सेल में। अब हम बात करते हैं एल्गल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। यहां पर हमने क्लेमाइडोमोनास की सेल का स्ट्रक्चर ले लिया है एज अ स्पेसिमेन। किसी भी एल्गल सेल के सबसे बाहर की ओर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे हम कहते हैं सेल वॉल। क्योंकि प्लांट सेल है तो प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये बात आपको याद रखनी है। सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टीन की बनी होती है, इसलिए इसे सेलुलोजिक सेल वॉल कहा जाता है। इस सेल वॉल के ठीक नीचे एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और जितने भी ऑर्गेनेल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं इनके बारे में हम एक डिटेल स्टडी करेंगे सेल बायोलॉजी की क्लासेस में। फिलहाल आपको सिर्फ इनके बारे में कुछ छोटी मोटी बातें याद रखनी है। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के ठीक नीचे पाई जाती है। जब हम प्लांट फिजियोलॉजी में सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो हम इसके कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, परमीएबिलिटी, सेलेक्टिवली परमीएबल, सेमी परमीएबल, इमपरमीएबल या परमीएबल, इस टाइप के कुछ इसके कैरेक्टर्स हम पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोसोल प्रेजेंट होता है, कोशिका द्रव्य जिसे हम कहते हैं, और कोशिका द्रव्य वो जगह होती है जहाँ पे समस्त कोशिकांग जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेल्स कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके अलावा छोटे मोटे जो कुछ भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सभी हमारे साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। एल्गल सेल में फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। क्लोरोफिल्स, क्वांटासोम यूनिट्स और ये सभी मिलकर फोटोसिस्टम्स का फॉर्मेशन करते हैं। फोटोसिस्टम्स फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है। इसके अलावा साइटोसोल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लगातार एनर्जी का प्रोडक्शन करता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी जो है वो हमारी बॉडी का एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस जो है वो सेल का कंट्रोलर है, सेल का माइंड है, सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनका कंट्रोल हमारा न्यूक्लियस करता है। क्योंकि हम प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वैक्यूल के बारे में भी बात करेंगे। वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक छोटा सा स्पॉट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं आई स्पॉट। दिखने में आंख जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, इस वजह से इसे नाम दिया गया है आई स्पॉट, नेत्र बिंदु कहा जाता है। इसके अलावा इसमें पाइरेनॉइड्स पाए जाते हैं जो कि स्टार्च की ग्रेन्यूल्स होती हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। मोस्ट ऑफ जो एल्गल सेल्स होती हैं उनमें यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर सभी नहीं, अधिकांश होना चाहिए, अधिकांश, मोस्टली एल्गल सेल्स में यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हमने पिछली क्लासेस में बात की थी। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस या केंद्रक ज्यादा डेवलप्ड होता है क्योंकि उसके अंदर केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है।
यहां पर अपवाद है एक्सेप्शन साइनोफाइसी, जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस पाया जाता है। इसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस या जीनोफोर भी कहा जाता है। एक स्पेशल पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि डायनोफाइसी का जो केंद्रक होता है वो वास्तविक यूकैरियोटिक केंद्रक नहीं होता है। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। सुसंगठित गुणसूत्र अनुपस्थित होते हैं। इनका केंद्रक आकार में 1 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक हो सकता है, यानी कि इनमें जो वेरिएशन है न्यूक्लियस के साइज में वो अत्यधिक पाई जाती है। हो सकता है कि किसी एल्गी के अंदर 1 माइक्रोन से भी छोटा न्यूक्लियस पाया जाए और किसी किसी एल्गी के अंदर 80 माइक्रोन तक का न्यूक्लियस भी पाया जा सकता है। अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो ये डबल लेयर्ड होती है, यानी कि इसमें 2 लेयर पाई जाती हैं कुछ इस तरह से। इन दोनों लेयर्स के बीच का ये जो स्पेस होता है इसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। आउटर वॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों के साथ में कनेक्ट होती है। आपने बहुत बार डायग्राम में कुछ इस तरह से देखा होगा, ये हमारे न्यूक्लियस का डायग्राम है। बहुत बार डायग्राम्स में कुछ इस टाइप का डायग्राम दिया हुआ होता है, ये कुछ इस टाइप से। कई बार न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स के साथ में कनेक्टेड रहती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मेम्ब्रेन, तो जो आउटर सरफेस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स के साथ में कनेक्टेड होती है। न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसका काम होता है राइबोसोम का फॉर्मेशन करना। अब एल्गी के अंदर 4 प्रकार की केंद्रिका संरचना पाई जाती है। या तो एक केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका पाई जा सकती है, या फिर 2 या उनसे अधिक केंद्रिका पाई जा सकती हैं, या फिर एक कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोलर स्ट्रक्चर पाया जा सकता है, एक बहुत ही जटिल न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर होगा, या फिर बड़ी संख्या में छोटी छोटी केंद्रिकाओं का एक रैखिक जुड़ाव आपको देखने को मिलेगा। मतलब कुछ इस तरह से छोटी छोटी न्यूक्लियस आपस में एक लीनियर फॉर्म में जुड़ी हुई होंगी किसी न्यूक्लियस के अंदर। तो ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोलर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें क्रोमोसोम के बारे में, तो डेस्मिड में ये छोटे और गोलाकार होते हैं, उडोगोनियम में लंबे और धागे की तरह पाए जाते हैं। इन क्रोमोसोम्स के अंदर लोकलाइज्ड या डिफ्यूज्ड सेंट्रोमियर पाया जा सकता है। लोकलाइज्ड यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पर कुछ इस तरह से, या फिर डिफ्यूज जो हम कह रहे हैं वो इररेगुलर इस तरह से। क्रोमोसोम्स का आकार 0.5 माइक्रोन या उससे कम हो सकता है, 12 माइक्रोन ओडोगोनियल्स और केरेल्स में पाया जा सकता है। आपको याद रखना है 0.25 यूलो ट्राइकेल्स के अंदर पाया जाता है। 0.25 जो है वो यूलो ट्राइकेल्स के अंदर पाया जाता है, जबकि 12 माइक्रोन जो है वो ओडोगोनियल्स और कारेल्स में पाया जाता है। अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स के नंबर के बारे में, तो यहां पे भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। पोरफायरा लिनियरिस के अंदर 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि नेट्रियम डिजिटेलिस के अंदर 592 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक एल्गल सेल कितनी वेरिएशन रखती है, ये जो एल्गी है इनमें कितनी ज्यादा वेरिएशन होती है। ये प्रोकैरियोटिक भी होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं, मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं, मराइन भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। इनमें फ्लैजिला में भी वेरिएशंस पाई जाती है, इनके न्यूक्लियस के अंदर भी वेरिएशन पाई जाती है, इनमें न्यूक्लियोलस के अंदर भी वेरिएशन पाई जाती है, क्रोमोसोम्स के अंदर भी वेरिएशन पाई जाती है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये प्रिमिटिव प्लांट्स हैं और इनमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ही टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें गोल्जी बॉडीज के बारे में, तो ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर सभी एल्गल सेल में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है। इनकी सिचुएशन ये कहाँ कहाँ पर स्थित हो सकते हैं वहां पर पूछा जा सकता है। जैसे कि क्ले माइडोमोनास में ये केंद्रक में पाए जाते हैं,
डायटम और बल्बोकीट में ये प्लास्टिड के पास पाए जाते हैं और किसी भी विशेष ऑर्गेनेल के साथ में जुड़े हुए पाए जा सकते हैं, जैसे युग्लिना और फ्यूकस के अंदर। गॉल्जी बॉडीज 2 से 20 पुटिकाओं के बने होते हैं, छोटी छोटी वेसिकल्स के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं जो एक ढेर में व्यवस्थित होती हैं, कुछ इस प्रकार से स्टैक्स की फॉर्म में ये अरेंज होती हैं। यहां पर इस प्रत्येक ढेर को हम कहते हैं डिक्टियोसोम। गॉल्जी बॉडीज कोशिका के मेटाबोलाइट्स के सिंथेसिस से जुड़ी होती हैं। इनका जो मेन फंक्शन है वो सेल मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर इनमें आंतरिक झिल्ली अच्छी तरह से व्यवस्थित होती है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो साइनोफाइसी के मेंबर्स होते हैं, इनमें गॉल्जी बॉडीज भी एब्सेंट होती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होती हैं। हम सभी जब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से अंगुली के टाइप शेप्स बनाती है अंदर की तरफ, इनर फोल्डिंग्स करके। इन्हें कहा जाता है क्रिस्टी। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। क्लोरोफाइसी में कुछ क्रिस्टी पाई जाती हैं, जबकि क्राइसोफाइसी और रोडोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं इनमें बहुत ज्यादा क्रिस्टी पाई जाती हैं। इनमें स्पेशल पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि नॉर्मली एक सेल में एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, लेकिन माइक्रोमोनास जो कि क्लोरोफाइसी का एक मेंबर है, इसमें एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये एक स्पेशल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पर्पस से। अब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें, तो शैवाल कोशिका का साइटोप्लाज्म इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल की एक प्रणाली के द्वारा जुड़ा होता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में जाना जाता है। हम सभी जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो किसी सेल का इंटरस्केलेटन सिस्टम बनाने का काम करती है। तो ये बहुत सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो आपस में जुड़ जाती हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। इसका मेन फंक्शन है राइबोसोम और प्रोटीन का सिंथेसिस करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप की होती है, एक होती है स्मूथ और दूसरी होती है रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो फैट सिंथेसिस से रिलेटेड होती है, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होती हैं। अब अगर हम आई स्पॉट के बारे में बात करें, नेत्र बिंदु के बारे में बात करें, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, ये सभी एल्गल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ये भी 4 प्रकार का होता है। सबसे फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट में स्थित, जिसका फ्लैजिला के साथ में कशाभिका के साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, और इस टाइप का जो आई स्पॉट है वो क्लोरोफाइसी और क्रिप्टोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है। जो सेकंड टाइप है वो है क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है, लेकिन ये फ्लैजिला से कनेक्टेड होता है, एक सूजे हुए फ्लैजिला से। आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि फ्लैजिला जो है वो नीचे की तरफ से थोड़ा सा सूज जाता है, कुछ इस तरह से स्वेलन हो जाता है, और यहां पर ही उसके पाया जाता है आई स्पॉट। ये हमारा आई स्पॉट हो जाएगा कुछ इस टाइप से। और इस टाइप का जो आई स्पॉट है वो क्राइसोफाइसी, फियोफाइसी और जेंथोफाइसी में पाया जाता है। जो हमारा थर्ड टाइप है वो है कशाभिका सूजन के पास नेत्र धब्बे परासरणी कणिकाओं के स्वतंत्र समूह के रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए यहां पर हमारा फ्लैजिला है जिसका बेसल पार्ट जो है वो मोटा हो गया है, सूजन जैसा हो गया है। अब यहां पर जो आई स्पॉट्स हैं वो कुछ इस टाइप से पाए जाएंगे उसके पास में। इस टाइप के आई स्पॉट्स युग्लिनोफाइसी के अंदर पाए जाते हैं। जो हमारा फोर्थ टाइप है वो है झिल्लीदार लैमिली के साथ में ऑस्मोफिलिक दानेदार संरचना वाले आई स्पॉट्स। इस बार ग्रामेटिकल मिस्टेक्स काफी हो गई है, उसके लिए माफी चाहेंगे आपसे। और इस टाइप के आई स्पॉट्स डाइनोफाइसी के अंदर पाए जाते हैं।
जो हमारा लास्ट टाइप है वो आई स्पॉट रेटिनॉइड और पिगमेंटेड कप का बना होता है। रेटिनॉइड जो है वो एक पिगमेंट है। तो यहां पर डायनोफाइसी में आई स्पॉट कुछ इस टाइप का होता है, लेंस शेप और पिगमेंट्स का बना होता है। इसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं यहां पर, जिनमें रेटिनॉइड है और दूसरे पिगमेंट्स आते हैं। अब अगर हम आई स्पॉट के फंक्शन के बारे में बात करें तो इन्हें फोटो सेंसिटिव ऑर्गेनेल माना जाता है, यानी कि लाइट के प्रति संवेदनशील होते हैं और जितनी भी मोटाइल सेल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब लाइट आती है तो ये उन मोटाइल सेल्स को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भैया उस तरफ लाइट है और हमें उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है जो हमें ध्यान रखना है, और वो है क्लेमाइडोमोनास के म्यूटेंट्स। जो वेरियंट्स हैं क्लेमाइडोमोनास के, उनके अंदर ये आई स्पॉट्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी वो फोटो सेंसिटिव होते हैं। अब कुछ वर्कर्स ये मानते हैं कि भाई ये जो है एक शेडिंग ऑर्गेनेल है, आई स्पॉट जो है हमारा एक शेडिंग ऑर्गेनेल है, और ये जो फ्लैजिला का स्वरण पार्ट होता है इस पर लाइट आने से पहले ये आई स्पॉट यहां पर प्रेजेंट होते हैं। जब इन पर लाइट पड़ती है तो ये उस लाइट को संशोधित कर देते हैं, एक तरह से कह सकते हैं फिल्टर कर देते हैं, और उसके बाद में ये लाइट इन फ्लैजिला तक पहुंचती है। ये कुछ वर्कर्स का मानना है, कुछ रिसर्च इस तरफ भी इशारा करती है। अब इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये जो आई स्पॉट्स हैं ये लाइट के फर्स्ट प्राइमरी रिसेप्टर्स हैं, ना कि फ्लैजिला का ये जो स्वोलन पार्ट है। अगर हम इन वर्कर्स के जो वर्क है इसको देखें तो हमें ये पता चलता है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी के टॉपिक्स की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।